नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी, आप जो डीएफए में आए हैं तो कौन कौन से पशु लेकर आए हैं? अपने पास ड्राई भैंस है और एक बुल है अपने पास। अच्छा, ये ड्राई भैंस है आपके पास में जी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साहिबा। साहिबा, हाँ जी। और कितना दूध दिया था इसने? इसका पहली बार का है 19 किलो 200 ग्राम। पहली बार फर्स्ट इलेक्ट्रेशन और सेकंड में? सेकंड में 25 किलो 400 ग्राम। 25 400। हाँ जी, ठीक है। बाकी आप इसको लेके आए थे कहीं से या घर लेके आए थे? कितने की लेके आए थे उस टाइम पे? ये अपने पास ड्राई लेके आए थे 150। 150 डेढ़ की। कितना टाइम हो गया? ये पिछली बार ही लेके आए थे। अच्छा, तो इस बार आप इसे यहाँ जो मेले में लेके आए हैं, ड्राई में लेके आए? ड्राई में लेके आए। तो रिंग में चली गई? नहीं, अभी जाएगी, अभी रिंग में जाएगी। ठीक है, आज शाम को है आप? आज शाम को है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइट में आप इसको क्या क्या खिलाते हैं? अभी जैसे प्रेग्नेंट ड्राई कर रखी है तो इसको नॉर्मल दे रहे हैं, नॉर्मल 3-4 किलो दाना दे रहे हैं बस। 3-4 किलो दाने में क्या क्या है अपने पास? सुखा जैसे चोकर हो गया जी, सोयाबीन हो गया, चने हो गए, मेथी होगी, तारा मीरा हो गया। अच्छा सर, तो अभी अगर हम बात करें ड्राई हमें फीड ज्यादा देना चाहिए या गीला हरा चारा? नहीं, गीला चारा हरा मिलेगा उसमें सही रहेगा। अच्छा, हाँ जी, वो सबसे बेस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सूखा भूसा ज्यादा देना चाहिए। नहीं, सूखे भूसे देने, जितना हरा चारा डालोगे ना उतना पशु भी स्वस्थ रहेगा, अंदर बच्चे ग्रोथ होगी, वो भी अच्छी निकलेगी। अच्छा, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो लास्ट जो इसका सेकंड इलेक्ट्रेशन था उसमें इसने क्या दिया था? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे गोल्लू का कट लाया। अच्छा, ऊपर पे है। ठीक है, हाँ जी। तो मतलब उसके फादर का नाम क्या बताया आपने? गोल्लू बोल है, गोल्लू नरेंद्र सेक्टरी का भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया ये बताइए अगर इस तरीके के पशु को तैयार करना हो तो शुरुआत से कैसे करें, मतलब स्टार्टिंग कैसे करें? शुरुआत सिम से करनी चाहिए। अच्छा, अच्छा सिम लगाओ सबसे पहले। सबसे पहले भैंस लेके आए? जी, भैंस लेके आओ। ठीक है, और उसका पूरा टॉप का जो प्रोजेनी बोला है अपने जी, किसी का भी बोल का लगा लो सीमन जी, तो उसका सीमन लगाओ। और जब भैंस बच्चा दे दे, बच्चा देने के तुरंत बाद उसको पूरा पेट भर के दूध पिलाना चाहिए। वो शुरू का 1-2 दिन का दूध होता है। दूध कितने महीने तक? वो तो चाहे लास्ट तक बुलाते रहो, जो सबसे मेन करना 3 दिन की जब बच्चा देती है तो उस टाइम पेट भर के दूध पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो आंतें होती है ना दूध पीने से पूरी खुल जाती है, जिससे बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा और दूसरा फिर वो बीमार भी जल्दी आएगा। और अगर शुरू में कम दूध देने के उसको बाद में कहेंगे दूध कई बार ऊपर खराब हो जाता है ना, पेट खराब हो जाएगा, तो बाद में उसको दूध ज्यादा पिलाएंगे तो बच्चा सही नहीं रहेगा, बीमार भी रहेगा, पेट भी खराब रहेगा फिर उसका। ठीक है, और उसको फीड पे कब लेके आए, हरे चारे पे आप उसे पे कब लेके आए, कितने महीने बाद? बच्चे को अगर जैसे 2-3 महीने तक तो पूरा दूध पिलाना चाहिए पेट भर के। 3 महीने कम से कम? 3 महीने तक कम से कम, अगर अच्छा पूरा मुंह छूट एकदम, मुंह छूट पूरा जितना पीछे। ऐसा बोलते हैं कि मतलब ज्यादा पी लेगा तो मतलब पेट खराब हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे। जैसे अगर शुरू में बच्चा दे दिया उस टाइम पूरा दूध पी लिया तो बाद में ना बच्चा बीमार होगा ना पेट खराब होगा। अच्छा, शुरू में दिया नहीं, बाद में दे रहे हैं, नुकसान करेगा तो नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। अगर शुरू में देंगे तो नुकसान नहीं करेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा पेट के। ठीक है, उससे पूरे जीवो के खाओगे ना डाटी। अच्छा, उसके बाद में फिर क्या, 3-4 महीने बाद फिर उसको हरे चारे पे भूसे पे ले, हरे चारे पर, और उसको चोकर दें, हल्का खाना बिल्कुल। अच्छा, से दूध पीता रहे और हल्का खाना हजम होता रहे, तुलतुला ना बन जाए, एकदम सटीक रहे। जब 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद चाहे उसको पेट भर के हरा कर दे दो, दूध कम कर दो उसको, और अनाज पर दे दो, कोई भी अनाज पका के चाय भिगो के चाय सूख कर दे दो। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये आपको भैंस दिखाई और बहुत ही बढ़िया भैंस है, और 25 लीटर बताया भैया, 25 किलो 400 ग्राम, 25 किलो 400 ग्राम दूध देने वाली भैंस है, अभी रिंग में जाएगी। तो भैया हम यही आशा करते हैं कि आप जीत के आए रिंग में, जब जाएं तो फर्स्ट तो जरूर ही आए। बाकी इधर भी आप लेके आए हुए हैं जी, भी अपने पास ट्राई है, इसका पहले भी आता है 15 किलो। 15 किलो, हाँ जी। और दूसरी बार बच्चा दिया इसने 19.5 किलो दूध निकाला है। 19.5 किलो सेकंड टाइम। ठीक है, डाइट और वो सारी चीजें सेम बराबर ही है? अच्छा, बराबर ही रखते हैं। तो ये भी रिंग में जाएगी? ना, एक ही जाएगी बस। अच्छा, एक ही जाएगी? एक ही जाएगी। ठीक है भैया, ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अच्छा, ये अपने पास योगराज का कटाई का भी? अच्छा, ये भी है, ये युवराज का कट रहा है, ये 15 महीने 4 दिन का होंगे, 15 महीने 4 दिन का। इसकी मदर मिल्क का है 18 किलो, अठारह किलो। हाँ जी, इसकी मदर जो दूध इस टाइम पे करंट में दे रही है? नहीं, अभी बच्चा देगी दोबारा वो। अच्छा, दोबारा बच्चा देगी। ठीक है, प्रेगनेंट होगी। ठीक है, मशीन वही यूज करते हैं भैंस के ऊपर, मतलब कौन सी दूध ज्यादा देती है उसको, कौन सा उसका अच्छे बुल का उसे मिल होना चाहिए, उस हिसाब से। जैसे इसकी मात्र 18 किलो है तो इसको योगराज का लगा हुआ है। अच्छा, जिसको उसकी बड़ी ग्रोथ है पूरी मिल्क वे है जी, तो उस हिसाब से सिमन यूज करवाते हैं, कौन से बोल का सही रहेगा, कौन सी सही रहेगा, क्योंकि मदर से और फादर साइड से दोनों से अच्छा होना चाहिए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।